हेलो दोस्तों, क्लास 6 का भूगोल चैप्टर 1 स्टार्ट करने वाले हैं, जिस चैप्टर का नाम है सौरमंडल में पृथ्वी। तो देर न करते हुए हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि अगला जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा वो सबसे पहले वीडियो आपके पास पहुँचे। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। दोस्तों, हम चैप्टर का स्टार्ट करने से पहले एक बात और करना चाहते हैं कि ये जो पॉइंट है आपको बारीकी से समझना है। आपके पास 6 क्लास का बुक है तो ठीक है, नहीं है तो इस वीडियो के माध्यम से आपको हम सारा कुछ बताते चलेंगे। जो है आओ कुछ करके सीखे, ये सब हम नहीं बताएंगे। चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। सूर्यास्त के बाद आकाश को दिखना कितना अच्छा लगता है। आसमान में पहले एक या दो चमकते बिंदु दिखते हैं, लेकिन बाद में उनकी संख्या बढ़ती जाती है। आप उनकी गणना नहीं कर सकते। संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है, जिनमें से कुछ चमकीले होते हैं और कुछ धुंधले। ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश में हीरे जड़े हो। इनमें से कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, लेकिन अगर आप उनको ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इनमें से कुछ की टिमटिमाहट अन्य से अलग है। ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते हैं। इसका कहने का तात्पर्य हुआ कि सूर्यास्त के बाद जब हम शाम जब हो जाता है, शाम के बाद हम जब देखते हैं तो पहले एक तारा दिखाई पड़ता है, उसके बाद दो तारा, उसके बाद तारों की संख्या बढ़ती जाती है और पूरा आसमान में तारा भर जाता है। उसी तरह हम चंद्रमा को भी देखते हैं। पहले अगर सूर्य की रोशनी में चंद्रमा दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन जैसे ही शाम होता है तो हम क्या करते हैं, हल्का चंद्रमा को भी देख सकते हैं। इन चमकीली वस्तुएं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देख सकते हैं। यह अलग अलग समय पर अलग अलग आकार और अलग स्थिति में दिखाई पड़ता है। आप पूर्ण चंद्र को लगभग 1 महीने में एक बार देख सकते हैं। कह रहा है कि अगर चमकीली वस्तुओं के साथ प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं, लेकिन अलग चंद्रमा जो हम देखते हैं उसका आकार और चंद्रमा जो हम देखते हैं उसका आकार और उसका स्थिति अलग दिखाई पड़ता है। कहने का तात्पर्य यह है कि चंद्रमा, जैसे आज अगर चंद्रमा को हम देख रहे हैं, तो जो चंद्रमा जो जिस स्थिति में है उसका स्थिति कल चेंज हो जाएगा। उस स्थान से वो दूसरे स्थान से वो हमें दिखाई पड़ेगा। और जो आकार में चंद्रमा है, जैसे कहने का कुछ चंद्रमा बड़ा है तो कल हो सकता है कुछ चंद्रमा को उसका आकार में चेंजिंग हो जाए। आप चंद्र को लगभग 1 महीने में एक बार देख सकते हैं। यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात पर चंद्रमा होती है। 15 दिन बाद आप इसे नहीं देख सकते। जो पूर्ण चंद्रमा वाली बात जब 15 दिन बाद होती है तो आप चंद्रमा को नहीं देख सकते। जिस दिन अगर चंद्रमा की पूर्णिमा होती है, चंद्र वाली पूर्णिमा होती है, जिस दिन पूर्णिमा होती है उसके 15 दिन बाद हम चंद्रमा को नहीं देख सकते हैं। यह नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या होती है। इस जो 15 दिन के बाद होती है उसे हम क्या बोलते हैं, नई चंद्र की या नई चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या होती है। ऐसी रात में अगर आसमान साफ हो तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं। कह रहा है अगर आपका आसमान साफ हो, आसमान में बादल ना हो, तो आप जो है आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं। अब आगे कहते हैं, क्या आपको इस बात का आश्चर्य नहीं होता कि हम दिन के समय चंद्रमा एवं उन सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते हैं? ऐसा इसलिए क्योंकि सूर्य का अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख सकते। इसका तात्पर्य यह है कि अगर जो हम चंद्रमा को और तारे को जो रात में हम देखते हैं वो दिन में क्यों नहीं दिखाई पड़ता है, क्योंकि सूर्य का इतना अत्यधिक प्रकाश है, इसके कारण जो चंद्रमा का और टिमटिमाते हुए तारे का प्रकाश उसके सामने फीका पड़ जाता है, इसलिए हमें दिखाई नहीं पड़ता है। सूर्य, चंद्रमा एवं ये सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है उसे खगोलीय पिंड कहती है।
खगोलीय पिंड कहलाती है। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है खगोलीय पिंड कहलाती है। इसका क्वेश्चन आ सकता है कि खगोलीय पिंड में कौन कौन से हैं। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात में चमकती है उसे खगोलीय पिंड कहते हैं। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। इसके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है जिसे वे बहुत मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों के तारा कहते हैं। सूर्य भी क्या है? एक तारा है। यहाँ देखिए क्वेश्चन आ सकता है, सूर्य क्या है? एक तारा है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगर वीडियो नहीं अच्छा लग रहा है तो कमेंट में बता सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम हो रहा है, क्या त्रुटि है, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम आपको उस प्रॉब्लम को देखते हुए वीडियो बनाएं। रात के चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही, लेकिन हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण हम लोग उनकी जो ऊष्मा होती है और प्रकाश जो होती है उसको महसूस नहीं करते हैं तथा वे अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने वाली सभी वस्तुएं छोटी दिखाई पड़ती है। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहा हवाई जहाज कितना छोटा दिखाई देता है रात्रि में आसमान। एक उदाहरण के तौर पर हम समझते हैं अगर आप हवाई जहाज़ को नज़दीक जा के देखते हैं, आप नज़दीक से देखते हैं तो हवाई जहाज़ कितना बड़ा होता है, और अगर हम हवाई जहाज़ को आसमान में उड़ते हुए दिखाई पड़ता है या देखते हैं तो वो कितना छोटा दिखाई पड़ता है। इसलिए हमारे तारा जो है बहुत बड़ी है, लेकिन हमसे इतना दूर होने के कारण वो छोटा दिखाई पड़ता है और टिमटिमाते हुए नज़र आता है। अब आगे बढ़ते हैं। रात्रि के आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। अरसा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है जो आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है। सात ऋषि संत या सात तारों का समूह है जो कि नक्षत्र मंडल अरसा मेजर का भाग है। आपने परिवार या पड़ोस में किसी भी बड़े व्यक्ति से कहिए कि वह आपको आसमान में और अधिक तारों, ग्रहों तथा नक्षत्र मंडलों को दिखाए। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है। इसे ध्रुव तारा भी कहा जाता है। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। कहने का मतलब जो प्राचीन काल में होते थे, जो पहले के युग में जो होते थे लोग, वो दिशा का निर्धारण जो होता है तारों की सहायता से करते थे कि इधर दक्षिण है, इधर पश्चिम है, इधर पूर्व है, इधर पश्चिम है। तो आप इसे है उत्तरी तारा जो है, उत्तरी तारा उत्तर दिशा में ही दिखाई पड़ता है, हमेशा उत्तर दिशा में दिखाई पड़ता है। उसे हम क्या करते हैं, ध्रुव तारा भी कहते हैं। उसे यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। चित्र 1.1 में देख सकते हैं, 1.1 में ये चित्र देख सकते हैं। सप्तऋषि के सहायता से जो ध्रुव तारा है वो एक काल्पनिक रेखा खींच के हम बताया गया है कि यहाँ जो है उसके सामने जो है ध्रुव तारा है। देखेंगे 1.1 में देखेंगे। यदि सप्तऋषि मंडल के संकेत तारों को आपस में मिलाते हुए एक काल्पनिक रेखा खींची जाए एवं उसे आगे की ओर बढ़ाया जाए तो यह ध्रुव तारे की ओर इंगित करेगी है। कुछ खगोलीय पिंड में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होता है, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। ग्रह, जिसे अंग्रेजी में प्लेनेट, ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई शब्द से बना है जिसका अर्थ है परिभ्रमण अर्थात चारों ओर घूमने वाले। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं यह एक ग्रह है। यह अपना
संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है, जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक तारा है। पृथ्वी को हम बहुत अधिक दूर से, जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होता है। इसका कहने का तात्पर्य हुआ कि सूर्य जो खगोलीय पिंड होता है, किसी कुछ खगोलीय के पिंड के पास अपना ना तो प्रकाश होता है और ना तो ऊष्मा होता है, वह तारों के प्रकाश से चमकता है और प्रकाशित होता है। जैसे में ग्रह, ऐसे पिंड को हम ग्रह कहते हैं। जैसे पृथ्वी जो है एक ग्रह है, तो ग्रह जो है उसके पास ना तो प्रकाश है और ना तो ऊष्मा है, वो किसके सहायता से प्रकाशित होता है, तो सूर्य के सहायता से, क्योंकि सूर्य भी एक क्या है, तारा है। जो ग्रह उसे कहते हैं जो सूर्य की परिक्रमा करता है, जिसे ग्रीक भाषा में प्लेनेटाई शब्द से बना है। प्लेनेट जो है प्लेनेटाई शब्द से बना है, जिसका मतलब होता है परिभ्रमण करना, चारों ओर घूमना। पृथ्वी को बहुत अधिक दूर से, जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होता है। अब यहाँ हम देख सकते हैं सूर्य के दूरी के अनुसार, पहला बुध हो गया, दूसरा शुक्र हो गया, तीसरा पृथ्वी हो गया, चौथा मंगल हो गया, पांचवा बृहस्पति हो गया, छठा शनि हो गया, सातवां यूरेनस, आठवां नेपच्यून। अब क्षुद्र ग्रह की जो पट्टी पाई जाती है मंगल और बृहस्पति के बीच में पाई जाती है, और ये जो है आपको अगले वीडियो में बुध की परिक्रमा, सारे ग्रह का परिक्रमा जो है अगले वीडियो में हम परिक्रमा और घूर्णन गति जो है वो अगले वीडियो में हम बताएंगे। अब आगे देखते हैं। आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है, ये हमारी पृथ्वी के सहचर है तथा इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। हमारी पृथ्वी के समान सात अन्य ग्रह हैं जो सूर्य के प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करते हैं। उनमें से कुछ के पास अपना चंद्रमा भी है। कह रहा है कि आसमान के में जो चंद्रमा हम दिखाई पड़ते हैं, आसमान में जो हम चंद्रमा देखते हैं वो एक उपग्रह है, वो हमारी पृथ्वी का ही उपग्रह है। उपग्रह का मतलब क्या होता है कि जो ग्रह का चक्कर लगाता है उसे हम उपग्रह कहते हैं। सिंपल तरीका से जान लीजिए, जो ग्रह का चक्कर लगाता है उसे हम उपग्रह कहते हैं, जो सूर्य का चक्कर लगाता है उसे क्या हम कहते हैं, ग्रह कहते हैं। तो हमारे चंद्रमा जो क्या है वो उपग्रह है, किसका, तो पृथ्वी का। तो पृथ्वी जैसे और सात जो अन्य ग्रह हैं उसके भी चंद्रमा है, मतलब कहने का मतलब उसका भी उपग्रह है, और कुछ के पास उपग्रह नहीं है और कुछ के पास उपग्रह है। अब आगे बात करते हैं सौरमंडल। सौरमंडल में सूर्य, आठ ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल के निर्माण करते हैं, उसे हम सौर परिवार के नाम से भी जानते हैं। सौरमंडल के अगर क्वेश्चन भी आ सकता है, सौरमंडल में कौन कौन आते हैं, तो सौरमंडल में सूर्य आ गया, ग्रह आ गया, उपग्रह आ गया, खगोलीय पिंड आ गया, जैसे क्षुद्र ग्रह हो गया, उल्का पिंड हो गया, ये सब सौरमंडल के अंदर आते हैं। और सौरमंडल का मुखिया कौन होता है, सूर्य होता है, क्योंकि हम बताए थे कि सौरमंडल का बीचों बीच में केंद्र में सूर्य जो है स्थित है। अब सूर्य के बात करते हैं। सूर्य जो है सौरमंडल के केंद्र में स्थित है, यह बहुत बड़ा है, यह एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। इसका खिंचाव बल इसमें सौरमंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है, लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते हैं, क्योंकि सबसे नज़दीक तारा होने के बावजूद ये हमसे बहुत दूर है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। ये कह रहा है कि सौरमंडल जो है वो केंद्र में सूर्य जो है सौरमंडल का केंद्र में स्थित है, ये बहुत बड़ा है और अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। सूर्य जो है अत्यधिक बहुत ज़्यादा गर्म गैसों से बना है, और इसका जो खिंचाव है सौरमंडल को बांधे रखता है। सौरमंडल जो है उसको क्या करता है, इसका जो है खिंचाव सौरमंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। और लेकिन हम इसकी अधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते हैं। ये हमारे अब यहाँ देखेंगे,
कि सूर्य जो पृथ्वी के लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। अब बताइए कि सूर्य जो है पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, फिर भी अब गर्मी के दिन में हमें कितना गर्मी फील होता। अगर मान लीजिए कि हमारे सूर्य जो हमसे अगर नज़दीक रहता तो हम क्या होते, जल के राख होते, ना तो कुछ रहता। हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य के दूरी के अनुसार वे हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और तथा नेपच्यून। सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य के चक्कर लगाते हैं। हम बताए थे कि सभी ग्रह जो क्या है, सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घवृत्ताकार में फैले हुए हैं, ये कक्षा कहलाते हैं। जो दीर्घवृत्ताकार फैले हुए हैं उसे क्या कहते हैं, कक्षा कहते हैं। बुध सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह है। बुध जो है सूर्य का सबसे नज़दीक ग्रह है, इसलिए ये सबसे जल्दी भी परिक्रमा करता है सूर्य का। अपनी कक्षा में ये सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में केवल 88 दिन लगाते हैं। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी माना जाता है। शुक्र जो है पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी माना जाता है, क्योंकि इसका जो है आकार और आकृति लगभग पृथ्वी के समान है। ये जो किसका, शुक्र का जो है आकार और पृथ्वी आकृति जो है पृथ्वी के ही समान है, इसलिए इसे जुड़वा बहन भी कहा जाता है इस ग्रह को। अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक अगस्त 2006 में यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड 2003 UV 313 सिरस तथा प्लूटो बौने ग्रह कहे जा सकते हैं। और 2006 में निर्णय लिया गया कि प्लूटो जो है वो ग्रह की श्रेणी में नहीं आता है। अब पृथ्वी के बारे में बात कुछ कर लेते हैं। पृथ्वी सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। आकार में यह पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, यही कारण है कि इसके आकार को भू आव कहा जाता है। भू आव का अर्थ है पृथ्वी का समान आकार। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थिति संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती है। पृथ्वी ना तो अधिक गर्म है ना ही अधिक ठंडी है। यहाँ पानी एवं वायु उपस्थित है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैस जैसे ऑक्सीजन मौजूद है। इन्हीं कारण से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। हम जानते हैं कि पृथ्वी का जो है वो ऑक्सीजन पाया जाता है, और ऐसा कोई ग्रह नहीं है जहाँ ऑक्सीजन पाया जाता है। और जो है पृथ्वी को भू आव कहा जाता है, क्योंकि ध्रुव पर क्या है, चपटी है। हम आपको अगले चैप्टर में ध्रुव क्या होता है वो बताएंगे। आंतरिक से देखने पर पृथ्वी नीले रंग का दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि इसकी जो 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी पर ये 71% जो है पानी है, जल है, इसी कारण जो है ये नीला दिखाई पड़ता है, और आंतरिक से जो देखता है इसे नीला प्रतीत होता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, नीला ग्रह कहते हैं। चंद्रमा, हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है चंद्रमा। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का ले केवल 1/4 है। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंड के अपेक्षा नज़दीक है। यह हमसे लगभग 384,400 किलोमीटर दूर है। अब आप पृथ्वी से सूर्य एवं चंद्रमा की दूरी की तुलना कर सकते हैं। अब हम कर सकते हैं, अब यहाँ ये भी देख सकते हैं, ये देख सकते हैं कि प्रकाश की गति जो है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड है। इसी गति के बावजूद सूर्य के प्रकाश जो है पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट लगता है। तो आप पता लगा सकते हैं कि जो सूर्य जो है पृथ्वी से कितना दूर है। रोचक तथ्य ये भी जानिए, इम्पोर्टेंट है, कोई एग्जाम में आता है, क्वेश्चन पूछता है। नील आर्मस्ट्रांग जो है पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 21 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा पर कदम रखा। अब जानेंगे उपग्रह। उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। हम बताए थे कि उपग्रह जो है ग्रह के चक्कर लगाता है, और ग्रह जो है सूर्य का चक्कर लगाता है, आपको पहले ही बता दिए थे। मानव निर्मित उपग्रह, यह कृत्रिम पिंड है। यह वैज्ञानिक के द्वारा बनाया गया है जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने एवं पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है। इसे रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है एवं पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है।
अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह है, जैसे इनसेट हो गया, आईएस क्या है उपग्रह, वहाँ भेजा गया है। इसको रॉकेट के माध्यम से वहाँ भेजते हैं। अब आगे देखते हैं, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। लगभग इतने ही समय में अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। इसलिए परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। चंद्रमा की परिस्थितियाँ जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। यहाँ ना पानी है ना वायु। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान एवं गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर उनकी छाया को देखा जा सकता है। जब ज़्यादा पूर्णिमा, पूर्ण पूर्णिमा को हम इसकी छाया को हम देख सकते हैं। जो छाया कैसे बनाता है, पर्वत, मैदान और गड्ढे से इसका छाया जो हम पूर्णिमा को देख सकते हैं। क्षुद्र ग्रह, तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। यह मंगल एवं बृहस्पति के कक्षाओं में बीच पाए जाते हैं। वैज्ञानिक के अनुसार क्षुद्र ग्रह ग्रह के ही एक भाग होते हैं जो बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गया। जो क्षुद्र ग्रह जो है वो ग्रह का ही एक भाग था जो बहुत साल पहले विस्फोट में ग्रह से टूटकर अलग हो गया। और आपको हम बताए थे कि जो बृहस्पति, मंगल और बृहस्पति के बीच में जो पट्टी पाई जाती है, क्षुद्र ग्रह की ही पट्टी पाई जाती है। अब उल्का पिंड, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। कभी कभी ये उल्का पिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं। फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी कभी कोई उल्का पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिरती है, जिससे धरातल पर गड्ढे बना देते हैं। कुछ जो उल्का पिंड होती है नहीं जल पाती है और पूरी तरह नहीं जल पाती है और आ जाके धरातल पर गिरती है, तो क्या बनाती है, गड्ढा बनाती है। ये जो उल्का पिंड होती है छोटे छोटे टुकड़ों से, पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, उसे क्या कहते हैं, उल्का पिंड कहते हैं। क्या आपने तारों वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफ़ेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है? यह लाखों तारों का समूह है। यह पट्टी आकाशगंगा मिल्की वे है। हमारा सौरमंडल इस आकाशगंगा का एक भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी। इस प्रकार इसका नाम आकाशगंगा पड़ा था। आकाशगंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार की लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती है। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करने में जुटे हैं। इसके आकार के संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम सभी इसी ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। आप इस फिगर के माध्यम से समझ सकते हैं, जैसे कि ये जो पृथ्वी है, पृथ्वी सौरमंडल के अंदर आते हैं, तो पृथ्वी ही नहीं, यहाँ ग्रह, उपग्रह, तारा, क्षुद्र ग्रह जितना भी है सौरमंडल के अंदर आते हैं। अब जो है सौरमंडल जो है किसके अंदर आता है, आकाशगंगा के अंदर आता है। अब जो है लाखों आकाशगंगाएं जो है ब्रह्मांड के अंदर आते हैं। अब अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। अगर वीडियो में कोई गलती हुआ होगा तो आप कमेंट में बता सकते हैं, क्योंकि अगले वीडियो में जो हम बनाएंगे तो उस गलती को हम सुधार सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।